हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द 100 वुमेन्स मैच नंबर 22 जो खेला जाएगा लंदन सिप्रिट वुमेन और बर्मिंघम फोनिक्स वुमेन के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में, इस मैच की पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, दोनों टीम्स का बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा, कौन सा प्लेयर टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेगा और अपने खाते का कंप्लीट 4 ओवर भी करेगा, और किस प्लेयर को आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाए, तो इन सभी टॉपिक्स पर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो ये मैच भारतीय समय अनुसार 8 बजे खेला जाएगा। इस मैच की लाइनअप आपको 30 मिनट पहले विद बैटिंग ऑर्डर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो का टॉप कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो गाइस, ये मैच लंदन में खेला जाएगा और लंदन की पिच बॉलिंग फ्रेंडली होती है और यहां पर जो प्लेयर टिक कर खेलता है वही अच्छा स्कोर कर पाता है। जो हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर होता है वो जल्दी खास पॉइंट देता नहीं है। मान सकते हो ये एक लो स्कोरिंग वेन्यू है। यहां पर जो लास्ट 10 मैच खेले गए हैं, जो टीम पहले बल्लेबाजी की है उसने इस वेन्यू पर 6 मैच विन करे हैं, जिसने पहले बॉलिंग की है उस टीम ने सिर्फ 3 मैच विन करे हैं। मतलब जो टीम यहां पर पहले बैटिंग करती है वो टीम 60% मैच को विन करने की काबिलियत रखती है, यानी क्षमता रखती है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यहां पर आपको 157 तो एक मेंस का है, लेकिन वुमेन्स में आपको कम देखने को मिलेगा। और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोरिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। फिर यहाँ जो हाईएस्ट स्कोर हुआ है पिछले 10 मैच में 199 है और लोवेस्ट स्कोर 93 है। फिर यहाँ से आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, ओके। तो बात करें यहाँ से जो लास्ट मैचेस इन दोनों टीमों ने खेले हैं, तो आपको ये परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लंदन सिप्रिट ने सिर्फ पिछले 5 मैच में 1 ही मैच विन किया है और बर्मिंघम फोनिक्स ने पिछले 5 मैच में सिर्फ 2 ही लॉस किए हैं। तो यहाँ से एक फेवरेट टीम तो बर्मिंघम फोनिक्स देखने को मिलती है, लेकिन होम ग्राउंड आज के मैच में लंदन सिप्रिट का है, तो एडवांटेज हो सकता है इस मैच को शायद विन कर जाए, लेकिन चांस बहुत कम है। इस वीडियो को लाइक का टारगेट हमने रखा है 300, तो आप पूरा जरूर कर दें। और आपको जो ये लाल बटन दिख रही है ना यहाँ पर, आपको इसको जरूर है ब्लैक कर देना, और जो लाइक का बटन है इसको आप दबाओगे ना तो बहुत सारे कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, ओके। तो बात करें लंदन सिप्रिट वुमेन की, जो प्रीवियस मैच का अकॉर्डिंग बैटिंग ऑर्डर थी वो आपको इस प्रकार दिखाई देगी, और उम्मीद है कि आज के मैच में भी यही बैटिंग ऑर्डर आपको देखने को मिलेगी। अगर इस बैटिंग ऑर्डर में कोई भी चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा, ओके। तो प्रीवियस 5 मैच का स्कोर आपको हर एक प्लेयर्स का देखने को यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि आप बैथ मोनी इस टीम की तरफ से एज ए ओपनर खेलती है, इसने पिछले मैच में 3 रन बनाए, उससे पिछले मैच में 61 रन की पारी खेली और उससे पिछले मैच में 13 रन बनाए, उससे पिछले में 30 रन बनाए, उससे पिछले में 97 रन बनाए। तो यहां से पता चलता है कि ये कंसिस्टेंट बैट्समैन है, कंटिन्यू परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, तो इनको तो पिक करके चलना ही चलना। फिर यहां से गिब्सन है, जो कि पिछले 5 मैच में इस प्लेयर ने 2 बार डबल डिजिट में गोल्स मतलब स्कोर किया है, वरना इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी गंदा है, तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो। लव भी एक ऐसे ही प्लेयर है, ये इसका भी परफॉर्मेंस अनकंसिस्टेंट ही देखने को मिला, एक ही बड़ी पारी आई पिछले 5 मैच में। तो यहाँ से अमीला कड़ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जो बॉल और बैट दोनों से पॉइंट देगी, तो आप इनको पिक करके जरूर चलना, कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। चार्ली डीन है, जो कि बैटिंग से तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही, लेकिन कभी कभी ये विकेट निकाल लेती है, तो इसलिए आप इनको ट्राई करके जा सकते हो। दत्तानी मैं इसको ज़्यादा सजेस्ट करूँगा नहीं। सेगरी वेंस है, कभी कभी तो इसको बैटिंग में भी प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन ये खास बैटिंग नहीं कर पा रही फिलहाल टाइम में। फिर यहाँ से फेरन डेविस है, जो कि डेथ ओवर बॉलर है और बॉलिंग से काफ़ी अच्छा पॉइंट दे सकती है। मैग्नसट ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑफ द बेस्ट बॉलर है फिलहाल टाइम पर, यॉर्कर काफ़ी अच्छी है इसके पास, लेकिन ये टीम काफ़ी हल्की है, एक प्लेयर इस टीम को विन नहीं करा सकता, बल्कि एक प्लेयर को ही परफॉर्मेंस करना होगा तब ये टीम अच्छा से विन कर पाएगी। एक प्लेयर पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, बॉलिंग से अच्छा पॉइंट दे सकती है, लेकिन बैटिंग इसके बस की बात नहीं, ओके। तो बात करें ओपनर बॉलर इस टीम की तरफ से मैग्नसट और फेरन डेविस है। अगर मैग्नसट की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, और फिर यहाँ से डेथ ओवर में अगर देखा जाए तो अमीला कड़ और मैग्नसट और फेरन डेविस, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। प्रीवियस मैच में हमने डेविस को ड्रॉप किया था, वो कंडीशन थी कि इस टीम ने पहले बैटिंग की थी, लेकिन अगर आज ये बैटिंग नहीं करती बल्कि बॉलिंग करती तो इनको हम पिक करके जरूर चलेंगे, और हमने प्रीवियस मैच में ग्रे को पिक किया और उसकी वजह से वन साइडेड विन भी किए थे। तो ये कुछ जजमेंट होते हैं टॉस के बाद, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता ही देता हूँ, ओके। तो बात करें लास्ट 5 मैच में जो इस टीम की तरफ से बॉलिंग आई है वो इस प्रकार है। मैग्नसट ने इस टीम के लिए पिछले 5 मैच में प्रीवियस मैच में 2 ओवर किए, विकेट नहीं मिली, उससे पिछले मैच में 4 ओवर के 2 विकेट निकाली, उससे पिछले मैच में 4 ओवर के 1 विकेट निकाली, फिर 3 ओवर के 1 विकेट निकाली, 4 ओवर के 1 विकेट निकाली। तो यहाँ से पता चलता है कि ये बॉलिंग तो अपने खाते कंप्लीट करा लेती है। अमीला कड़ है, जो कि कंसिस्टेंट
विकेट टेकर भी है, बैट और बॉल दोनों से अच्छा पॉइंट देती है, तो इसको भी पिक करके जरूर चलना, अपने खाते कंप्लीट ओवर भी कराती है। फिर यहाँ से डेविस है जो कि कम से कम दो ओवर तो पर मैच में करा ही देगी, कभी कभी तो तीन चार ओवर भी कंप्लीट करा देती है, लेकिन ये टीम काफ़ी हल्की है तो ये टीम पूरा ओवर कराने से पहले ही लॉस कर जाती है। ओके, फिर यहाँ से डीन है जो कि अपने खाते कंप्लीट ओवर कराते हैं, लेकिन इसका ना अभी तक पिछले पाँच मैच में एक भी विकेट नहीं मिली और ना ही कोई बैट से इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। सेक रिवेंज भी एक ऐसी प्लेयर, एक एवरेज टाइप प्लेयर है। गिब्सन है जो कि अनकंसिस्टेंट है, मैं इसको मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर यहाँ से बलिंगर है, खेलने का चांस मतलब खेलेगी भी तो पॉइंट वॉइंट कहीं से भी नहीं देगी, तो इसलिए इनको ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ जो टॉप प्लेयर है शट, अमिलक्कड़, डेविस और चार्ली डीन में से, और यहाँ से सिक रिवेंस में से, इनमें से आपको लाइन मतलब टॉस के बाद इनमें से एक चूज करना होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। ओके, तो लाइक नहीं किया तो आप चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस तरह का आपको ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो इसको ब्लैक जरूर कर देना। ओके, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बात करते हैं जो सेकेंड टीम है उसकी, तो यहाँ से बर्मिंघम फोनिक्स वुमेन की जो प्लेइंग 11 थी प्रीवियस मैच में, वो आपको इस तरह की देखने को मिलेगी विद बैटिंग ऑर्डर। ओके, तो पिछले पांच मैच में आप इस टीम का भी हर एक प्लेयर का डाटा देख सकते हो। सोफी डिवाइन इस टीम तरह एज ए ओपनर है एमी जोनस के साथ। फिर यहाँ से जोनस है जो कि ये तीनों प्लेयर्स टॉप ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पर। प्रीवियस मैच में इन तीन का खास परफॉर्मेंस नहीं मिला, लेकिन आज के मैच में अच्छा मिल सकता है। इलिशा पेरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सोफी मोलिनिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इल्विस भी डिफेंस मतलब पॉइंट काफ़ी अच्छा देता है, आई वोंग जो कि बॉलिंग से काफ़ी अच्छा पॉइंट देती है, अरलोड भी सेम है, और यहाँ से फ्रैंकलिन गॉर्डन और मकसूद, इन तीन को मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सिलेक्टेड ही प्लेयर देखने मिलेंगे, उन्हीं प्लेयर को आप हम टीम में ट्राई कर चलना, ये बॉल और बैट दोनों से पॉइंट देते हैं, तो इनको तो ड्रॉप हम नहीं कर सकते। आप किसी प्लेयर जैसे कि सोफी डिवाइन ने प्रीवियस मैच में 4 रन बनाए, उससे पिछले में 7 रन बनाए, उससे पिछले में 19 रन बनाए, उससे पिछले में 16 रन बनाए, उससे पिछले मैच में 48 रन बनाए, तो मतलब ये विकेट पर डटी रहती है और रन बना देती है। रिसेंट फॉर्म पिछले दो मैच में इसका खास नहीं रहा, लेकिन अच्छा है ओवरऑल। तो इस तरह आप सभी का डाटा को सीन कर सकते हो। ओके, तो बात करें यहाँ से ओपनर बॉलर इस टीम की तरफ से, आपको सोफी मोलिनिक्स, आई वोंग, अरलोड, और फिर यहाँ से डेथ में भी सोफी मोलिनिक्स, इल्विस, और यहाँ से गोल्डन तो कभी कभी कराती है, लेकिन देखेंगे क्या है, पूरा अपना खाते का ओवर कराएगी या नहीं कराएगी, ये दो तीन ओवर ही करती है। एक ओवर का मतलब होता है द 100 वूमेन में 5 बॉल का एक ओवर माना जाता है। ओके, तो इस तरह आप इसको रीड कर सकते हो। बात करें लास्ट पाँच मैच में इस टीम की तरफ से जो बॉलिंग कराई गई है वो इस प्रकार है। सोफी मोलिनिक्स जो प्रीवियस मैच में 4 ओवर करा के 3 नहीं एक भी विकेट नहीं मिली, उससे पिछले मैच 3 ओवर किए एक भी विकेट नहीं मिली, उससे पिछले दो मैच में इस टीम प्लेयर ने 4-4 ओवर कंप्लीट कराए, दो दो विकेट निकाली, और उससे पिछले मैच में 4 ओवर कराए विकेट लेस रही, तो यहाँ से पता चलता है कि ये अपने खाते का ओवर तो कंप्लीट करा लेती है, तो इसको पिक करके चलना ही चलना। अरलोड भी सेम है जो कि अपने खाते का कंप्लीट ओवर भी कराती है, डेथ में बॉल भी करती है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आई वोंग जो कि ये 2-3 ओवर तो पर मैच में कराई देती है, लेकिन इसको टॉस के बाद ही डिसाइड करेंगे टीम में लेना या नहीं लेना। ओके, फिर यहाँ से इल्विस है जो कि अपने खाते कंप्लीट ओवर करा देती कभी कभी। गोल्डन एक अनकंसिस्टेंट बॉलर है, इस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, पिछले पाँच मैच में एक भी विकेट नहीं मिली, तो यहाँ से क्लियर है कि इसको तो हम ड्रॉप ही कर सकते हैं, लेकिन टॉस पर अगर टॉस का अकॉर्डिंग इसको पिक करना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। बाकी तीन प्लेयर्स और हैं, ये इतने बॉलिंग कराते नहीं, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन सोफी डिवाइन बैट से अच्छा पॉइंट दे दी जाती है, तो इसलिए इनको बोलूंगा कि आप पिक करके चलें। तो इस तरह का आपके सामने ये पिछले पाँच मैच का रिकॉर्ड रहा है। ओके, तो दोस्त फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो आपको ये लाल बटन दिख रही है तो इसको हम ब्लैक कर देना, और यहाँ पर आपको अगर लाइक करोगे तो ये लाइक का जो थंब है ये 2-3 मरतबा अलग अलग कलर देगा, तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, तो बात करें इस वीडियो का सेकंड बेस्ट पार्ट पर अब शुरू होगा, और टीम बनाने का समय भी अभी आया। ओके, तो चलिए नज़र डालते हैं इस मैच के हम ड्रीम इलेवन टीम पर। तो सबसे पहले हम बात करें विकेट कीपरिंग सेक्शन से, तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, बैथ मोनी जो कि जिसका रिसेंट फॉर्म काफ़ी डाउन है मतलब काफ़ी बेहतरीन है, तो इनको पिक करके चलना ही चलना है। एमी जोनस विकेट कीपरिंग पॉइंट भी देगी, प्लस यह आपको फर्स्ट डाउन भी खेलते नजर आएगी, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं अपनी अपनी टीम्स के लिए, तो इनको दोनों को टीम में आप ट्राई करके जा सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए मैं दोनों को ही पिक करता हूँ। बात करें यहाँ से बैटिंग सेक्शन से, तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी इलिशा पेरी जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, कभी कभी तो एक दो ओवर करा देती है। फिर यहाँ से जोनास जो कि अपने खाते के ओवर तो नहीं कराते लेकिन बैटिंग से अच्छे पॉइंट देती है। लव को मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, फ्रैंकलिन को भी नहीं करूँगा, दत्ताने को भी नहीं करूँगा, और यहाँ से बाकी ऑप्शन बचते नहीं है, तो मुझे लगता है कि लव को ही ट्राई करना होगा, लेकिन इनमें से ना हम लाइनअप के बाद जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि
मतलब टॉस के अकॉर्डिंग कि कौन से प्लेयर का पॉइंट आज के मैच में इनमें से ज़्यादा आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग पिक करेंगे। अभी के लिए हम लव को ही पिक करते हैं। ओके, ऑप्शन तो हमारे सामने और बिल्कुल भी नहीं, तो इनको ड्रॉप करेंगे। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन से, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी अमील अकड़, जो कि बैट और बॉल दोनों से पॉइंट तो बेहतरीन देगी, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के बेहतरीन ऑप्शन है। सोफी डिवाइन, जो कि बॉलिंग बहुत कम करा रही है लेकिन बैटिंग से भी इतना अच्छा पॉइंट नहीं दे रही, लेकिन पिक करके जरूर चलना है, ये टॉप ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। ओके, फिर यहाँ से सोफी मोलिनिक्स, जो बॉल और बैट दोनों से पॉइंट दे सकती है। फिर यहाँ से इल्विस है और सेक्री वेंस है। इनमें से हम दो प्लेयर्स को तभी ट्राई करेंगे जब टॉस हो जाएगा, टॉस का अकॉर्डिंग हम बिल्कुल इनमें पिक करके जा सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए इन दोनों को ड्रॉप करके गए हैं। ओके, बात करें यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी अरलोट है, जो कि एक अपने खाते कंप्लीट ओवर भी कराएगी प्लस डेथ ओवर में बॉलिंग भी कर देगी। ओके, फिर यहाँ से गिब्सन भी है, मैग्नस शट है। मैग्नस शट की टीम अगर पहले बॉलिंग कराती है तो इसको मैं टीम में जरूर पिक करके चलूंगा, उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी और मैं मान के चलता हूँ कि ये बॉलिंग पहले ही कराएगी। ओके, अरलोट का हम अभी के लिए पिक करते हैं। और तेरी की अब पता चला क्रेडिट प्रॉब्लम है इस मैच में, तो क्रेडिट प्रॉब्लम में तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है टीम बनाने में, तो बड़े प्लेयर को रिस्क लेंगे सीधा और ड्रॉप करेंगे। डोंट वरी गाइज, मैं ऑप्शन देखता हूँ यहाँ पर जो बेहतर रहेगा। हाँ, लव को ड्रॉप करते हैं क्योंकि यार इसका बैटिंग खास रहा नहीं है। ओके, दत्ता ने और यहाँ से हम पिक करेंगे या फ्रैंकलिन। अभी के लिए हम क्रेडिट को मेंटेन करते हुए फ्रैंकलिन को पिक करते हैं। ओके, बात करें बॉलिंग सेक्शन से, तो मेरे फास्ट ऑप्शन बचते हैं डेविस, अगर ये टीम पहले बॉलिंग कराएगी तो ट्राई करेंगे। गिब्सन, इसको मैं जरूर ट्राई करेंगे लेकिन मतलब टॉस का अकॉर्डिंग, क्योंकि डेविस को हमने प्रीवियस मैच में ड्रॉप किया था ना, तो शायद आज के मैच हम ना भी करें लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे। ओके, तो अभी के लिए हम डेविस को ट्राई करते हैं, चाहे चार्ली डीन भी, जो कि स्पिनर काफ़ी बेहतरीन है लंदन की तरफ से, तो ये विकेट निकाल सकती है आज के मैच में, लेकिन पिछले मैचेस में इसने विकेट तो नहीं निकाली लेकिन बॉलिंग कर लेती है, तो डीन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है। अभी के लिए हम डेविस को पिक करते हैं। ओके, पॉइंट नहीं देखेंगे, मतलब हम एक वो देखेंगे जो हमें देखना चाहिए, जजमेंट। ओके, तो इसलिए हम यहाँ से डेविस को पिक करते हैं। कैप्टनसी की बात की जाए तो मुझे तो बेस्ट ऑप्शन लगा है अमील अकड़। वाइस कैप्टनसी की बात की जाए जो आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, चाहे बॉलिंग से दे सकते हो, चाहे ऑलराउंडर सेक्शन से, चाहे आप यहाँ से बैथ मुनी को रख सकते हो क्योंकि कंसिस्टेंट बैट्समैन है तो रन बना ही रही है। ओके, तो मैं अभी के लिए सोफी मोलिनेक्स को अपनी टीम में एज ए वाइस कैप्टन बना के चलाऊँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोफी मोलिनेक्स की टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बॉल से भी ये पॉइंट दे जाएगी और बैट से भी। ओके, तो ये मेरी टीम का अभी के लिए प्रीव्यू है। याद रहे ये वीडियो का आधार पर टीम है जिसमें मैंने कैप्टन अमील अकड़ और वाइस कैप्टन सोफी मोलिनेक्स को बनाया। आप चाहे तो सोफी डिवाइन को बना सकते हो, जो कि बॉल बहुत कम करा रही है आजकल लेकिन बैट से पॉइंट दे सकते हैं। पिछले दो मैच में इसने डाउन परफॉर्मेंस दिया है लेकिन ये अच्छा कर सकते हैं, इसके अंदर पोटेंशियल है वो करने की। ओके, तो ये मेरी टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी वो लाइनअप के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन टॉप का कमेंट में है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और दोस्त, मैं फिर से कहूँगा जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बाय।